अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं ब्रेड कलाकंद रेसिपी। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तब आप फटाफट से यहाँ पे इंस्टेंट ब्रेड कलाकंद बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें हम ले लेंगे यहाँ पे मिल्क। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप ले लिया है, उससे मैंने यहाँ पे दो बड़े कप मिल्क ले लिए है, यानी कि 3 पाव मिल्क है ये। आपके पास जो मिल्क है वो ले सकते हैं, गरम या ठंडा कोई भी। अब इसे हम रख देंगे गैस ऑन करके गरम होने के लिए। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे हाई पे रख देना है और हाई फ्लेम पर ही यहाँ पे हमें मिल्क को बाउल कर लेना है इस तरह से चलाते हुए। और यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क में उबाल आने लगा है। जब इस तरीके से इसमें उबाल आने लगे तब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क निकाल लेना है। बस एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच मिल्क हमें इसमें निकालना है और यहाँ पे हमें इसमें केसर ऐड कर देना है और इसे हम रख देंगे साइड में। इस दूध का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कप ले लिया है, उसी कप से मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड कर दूंगी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी को कम मीठा पसंद होता है या किसी को ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग मीठा आप ऐड करें। अब यहाँ पे हमें इसे चीनी को घुल जाने तक के अच्छे से कुक कर लेना है। और जब एक बार चीनी अच्छे से घुल जाए तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मिल्क हम यहाँ पे और निकालेंगे। इस मिल्क का हमें कहाँ पे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे मिल्क निकाल लिया है और अब यहाँ पे जो बाकी के मिल्क बचे हैं उसमें हम ये केसर वाला मिल्क ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लिया है और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने से जो है इसका टेक्सचर और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह 1 कप मिल्क इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। अब इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब यहाँ पे इसे हम मीडियम फ्लेम करके रख देंगे पकने के लिए और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। तो चलते हैं सेकंड स्टेप पे। यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड और ब्रेड की जो किनारी है उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है ताकि जब हम ब्रेड कलाकंद बनाएं तो एकदम सॉफ्ट और डिलीशियस बन करके रेडी हो। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड रेडी कर लेने हैं कटिंग करके, जितना भी आपको लगे। तो यहाँ पे जो ब्रेड के एजेस निकलेंगे उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करके हल्का सा भून के ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और इसे रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है ट्रे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं 3 लेयर बनाऊँगी, तो 3 लेयर के हिसाब से मैंने यहाँ पर ब्रेड कटिंग कर लिए है। आप चाहे तो 2 लेयर भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड कटिंग करके और इसी के अकॉर्डिंग रख लिए। अब यहाँ पे मैं 2 लेयर निकाल दूंगी। अब यहाँ पे हमने जो मिल्क रखा था पकने के लिए वो देख सकते हैं काफ़ी हद तक के गाढ़ा हो गया है और इसे हमें इसका टेक्सचर जो है इतना ही रखना है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर डायरेक्टली इसी का कलाकंद बनाना होता तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा और कुक करते, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेड कलाकंद बना रहे हैं तो इसका टेक्सचर हमें इतना ही रखना है। अब यहाँ पे हमें गैस ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा ना तो ये इसका टेक्सचर और भी गाढ़ा होते जाएगा, इसीलिए हमें इसी स्टेज पर गैस ऑफ कर देना है और इसे हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 लेयर ब्रेड की निकाल ली थी और 1 लेयर मैंने यहाँ पे बिछा ली है। अब इसके ऊपर से हमें जो हमने 1 कप मिल्क निकाल के रखे थे ना वो वाला मिल्क हमें इसके चारों तरफ से अच्छे से रब कर देना है ताकि ब्रेड एकदम से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो मावा रेडी किया है इसके ऊपर से हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद में हम 2nd लेयर ब्रेड की रखेंगे चारों साइड से और इसके ऊपर से हमें फिर से मिल्क अच्छे से पोर कर देना है ताकि ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसी तरीके से हमें फिर से इसके ऊपर से मावा रखना है चारों तरफ से अच्छे से। फिर यहाँ पे हम 3rd लेयर लगाएंगे और उसे भी हम मिल्क से अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 लेयर ब्रेड की अच्छे से सेट कर दी है। इसके ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे और यहाँ पे हम इसे ढक करके, चाहे तो आप इसे किसी चीज़ से भी ढक सकते हैं, यहाँ पे मैं सिल्वर फॉइल से ढक दूंगी और इसे हम फ्रीज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज में इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था और ये देखिए एकदम अच्छे से ये सेट हो गया है। तो ठंडा ठंडा ही इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से कट कर दूंगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम इंस्टेंट ब्रेड कलाकंद बन करके तैयार हुआ है और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से आप बहुत ही फटाफट से ब्रेड कलाकंद बना के रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।